आप अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अब्बू? मैं जानती हूँ ये आपने नहीं किया है, आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं ये भी जानती हूँ अब्बू कि आपकी कोई मजबूरी नहीं होगी, तभी आपने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। फिर अब्बू ये करने से पहले एक बार अपनी बेटियों के बारे में तो सोचते, मेरे और उमेरा के बारे में तो सोचते। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी बेटियों से उनके अब्बू का प्यार छीने। बेटा हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हकीकत तो यह है कि हमने कभी कुछ ठीक किया ही नहीं। कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी अब्बू, आपकी बेटी सब कुछ ठीक कर देगी अब्बू, आप घबराइएगा नहीं। और मैंने सब कुछ कर भी दिया है अब्बू, मैंने लॉयर से बात कर ली है, परसों आपकी हेयरिंग है। लेकिन आपको एक काम करना है अब्बू, आप उससे वादा कीजिए कि आप हेयरिंग से पहले कोई भी गलत कन्फेशन नहीं करेंगे। वादा कीजिए मुझे अब्बू। गुजरे हुए कल के गुनाह इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, बस यूं समझ लो कि हमें भी अपने किसी किए हुए गुनाह की सजा मिल रही है। इतनी बड़ी सजा कि आप अपनी ही बेटी के शौहर के अब्बू का कत्ल कर देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बू? देखिए अब्बू, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मिस्टर खान को, सभी घर वालों को ये प्रूव कर दूंगी कि आप ठीक हैं, किसी का कत्ल नहीं किया है आपने। बस आपको मेरा साथ देना होगा अब्बू, आप कोई भी गलत कन्फेशन नहीं करेंगे। बोलिए अब्बू, आप देंगे ना मेरा साथ? बोलिए ना अब्बू, वादा कीजिए ना। अभी यहां तो कोई भी नहीं है, कहां है फरहान? वो निकट ही थी, मेरी आंखें ऐसे धोखा नहीं खा सकती। जल्दी घर चलो, हमें घर जाके खुशबू को देखना है। चलो ठीक, चलो चल। आज सब कुछ खत्म हो जाता, क्या करने जा रही थी तू? सब पता चल जाता ना? पता चल जाने दीजिए दादी, अब सब को असलियत का पता चल जाने दीजिए। मैं थक चुकी हूँ, और आज इन जालिमों की वजह से मैं आखिरी वक्त पर अपने अब्बू को देख भी ना पाई। उनकी मैयत पर खुद को रो भी ना पाई। लेकिन बस अब बहुत हो गया, इनकी कहानी को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। ये कहानी जरूर खत्म होगी, लेकिन उसका अंजाम वो नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। आज हमारा बेटा हमारे पास नहीं, हमें छोड़कर चला गया। जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया, उसने उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं, बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं गया। लेकिन नहीं बेटा, हम हमारे पोती के साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। निकल, तुम्हें उनके साथ सिर्फ लड़ना ही नहीं, उन्हें उनके गुनाहों की सजा भी दिलवानी है। बेटा बेटा, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, अपने मारू पापा के लिए। तुम्हें ऐसे लोगों को उनके गुनाह की सजा दिलवानी चाहिए बेटा, तुम कर सकती हो, हमें पूरा यकीन है तुम पर, है तुम्हें हिम्मत, करोगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, अब हमने सब कुछ अल्लाह मियां पर छोड़ दिया है। अगर उन्हें लगता है कि हमें ऐसे किसी गुनाह की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो हमने नहीं किया है, तो फिर वो ही हमें बेगुनाह करार देंगे। लेकिन अब वो आप समझ नहीं रहे। चलिए मैडम, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया जी।